अस्सलाम वालेकुम, मैं हैप्पी कुकिंग से विवर्स बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। आज विवर्स मैं आपको एक मिठाई से पाकिस्तानी झंडा बनाना बताऊंगी। 14 अगस्त आप लोगों को मुबारक हो। आज 14 अगस्त है तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को पाकिस्तान का झंडा बना के दिखाती हूँ। अब विवर्स देखें, मैंने इसमें एक है ना ये वाली प्याली पानी डाला है शीरे के लिए। अब मैं इसमें डेढ़ प्याली सूजी लूँगी, तो ये डेढ़ प्याली मैं देखें विवर्स इसमें पानी ये चीनी डाल रही हूँ। ये एक प्याली हुई और ये डेढ़ प्याली हुई। अब ये मेल्ट हो सूजी। ये देखें ये सूजी मेल्ट और ये चीनी मेल्ट हो अच्छी तरह से। इसको एक अलग तरफ कर दिया है। अब व्यूअर्स देखें ये है, हो रही है। यहाँ मैंने देखें ये कढ़ाई चढ़ाई है। अब इसमें ये देखें आधा प्याली मैंने घी लिया है, जिसमें से मैं आधा घी डाल रही हूँ अभी। ये व्यूअर्स देखें तेल विवर्स गरम हो गया है। अब मैं इसमें एक प्याली सूजी डाल रही हूँ विवर्स देखें, और आधी प्याली और भी डाल रही हूँ। विवर्स देखें आधी प्याली और डाल रही हूँ सूजी का। अब मैं हल्के हल्के हाथ से सूजी को घुमा रही हूँ। देखें बिल्कुल इसको सूजी को हमें ब्राउन नहीं करना है। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें डेढ़ कप मैंने इसमें है ना ये डेढ़ प्याली मैंने इसमें चीनी डाली है और तीन प्याली मैंने इसमें पानी डाला है चीनी में। अब ये इसका शीरा बनेगा। रिवर्स देखें ये मैंने भून ली है, वाइट वाइट खुशबू आना शुरू हो गई है। बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करना है, इतनी सी आग पे ये काम करना है बिल्कुल दम वाली पे। देखें ये देखें। अब विवर्स इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ, मलाई डाल रही हूँ। ये देखें अगर आपके पास घर की हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप यही डाल दें। और थोड़ा दूध इसके साथ शामिल कर रही हूँ। ढाई चम्मच मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल रही हूँ। चूल्हा मैंने किया है बंद, बंद चूल्हे में इसको मिलाना है। दो चम्मच इसमें क्रीम डाला, मलाई डाली थी, दो तीन चम्मच दूध डाला था। अब मैं दो ये मिल्क मेड डाल रही हूँ, दो चम्मच के करीब। ऐसा टेक्सचर दें हलवे जैसा ना आए, मिठाई जैसा आए। अब मैं इसको ठंडे उसी में ही देखे मिला रही हूँ, चूल्हा नहीं जलाया हुआ है। इसके लम्स से नहीं घबराइएगा, जब हम शीरा डालेंगे तो ये लम्स बराबर हो जाएंगे। देखें ये बंद चूल्हे में ही कार्रवाई हो रही है। मेरी मलाई दूध और ये मिल्क मेड ये मिल चुका है सारा इसमें। अब एक तार की चाशनी देखें ये मैंने बनाई है। ये देखें अब मैं इसको आने जाओ वही जाओ। ये देखें व्यूअर्स आस्ता आस्ता इसके लम्स टूट रहे हैं। ये वही थोड़ा भेजो, थोड़ा मैं फिर डाल रही हूँ। देखें तीन बार में मैंने डाला है थोड़ा थोड़ा करके। देखें चूल्हा बंद ही है अभी, मैंने नहीं खोला है चूल्हे को।
नीचे से देखें चूल्हा मेरा बंद पड़ा हुआ है, ये देखें नीचे। मैं आपको ये लम्स का वो करके फिर दिखाती हूँ दो मिनट में। थोड़ी सी हल्की जला ली है, ये देखें पूरे लम्स इसके ख़त्म हो गए हैं। अब ये डेढ़ कप मैं नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, ऐसे लगे जैसे मिठाई है, हलवा नहीं है। अब ये देखें मैं आस्ता आस्ता करके ये नारियल का बुरादा भी इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छा टेक्स्चर इसका बन जाएगा, ये देखें। अब व्यूअर्स देखें मैं एक टेबल स्पून इसमें घी डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून मेरे पास बच गया है, ये देखें घी जो मैंने आधी प्याली ली थी। मैंने चख के देखा है मलाई और कंडेंस्ड मिल्क बहुत अच्छा जायका निकला है इसका, फिर खोपरा, वाओ। एक व्यूअर्स हिस्सा ये देखें इसमें निकाल रही हूँ, अब मैं इसमें ये ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। व्यूअर्स आग को बिल्कुल दम वाला रखा है, अब मैं इसमें फिर एक चम्मच घी का डाल रही हूँ। व्यूअर्स देखें अब मैं इसमें ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, व्यूअर्स देखें ग्रीसी कर दिया है बटर पेपर बिछा के। अब मैं देखें इसको बिछा रही हूँ, बिछा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ग्रीन वाला। ये देखें मैंने ग्रीन इसमें बिछा दिया है, अब फर्स्ट टाइम बना रही हूँ दिल से। अब आप लोग कोई कमी रह गई हो तो कर लीजिएगा एडजस्ट, कोशिश कर रही हूँ। अब व्यूअर्स देखें मैं ये अब वाइट पार्ट डाल रही हूँ, थोड़ी कमी बेशी रह जाए तो वो कर लीजिएगा एडजस्ट। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, दिल चाह रहा था पाकिस्तान का झंडा बनाने को। देखें ये मैंने पाकिस्तान का झंडा बनाया है, और ये मिठाई भी है बहुत अच्छी, कोकोनट मिठाई की तरह ही है। अब बताइएगा मैंने आपको ये झंडा कैसे बनाया, फर्स्ट टाइम बनाया है। व्यूअर्स अगर कोई कमी बेशी हो गई हो तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, मगर मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर एक दूसरे के साथ इस झंडे को करें, हमारा पाकिस्तानी झंडा है। व्यूअर्स देखें इस ट्रे में से देखें मैंने ये निकाल दिया है पाकिस्तान का झंडा। अब मैं इसको झंडे को काट रही हूँ, हालांकि दिल नहीं चाह रहा है मगर काटना पड़ेगा कि आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने कैसा बनाया है। ये देखें पाकिस्तान जिंदाबाद, ये व्यूअर्स देखें मैं आपको खा के दिखा रही हूँ, आप लोग भी खाएं व्यूअर्स। वाओ इतना अच्छा बना है व्यूअर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद, 14 अगस्त मुबारक, बहुत अच्छा बिल्कुल मिठाई बनी है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।